गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज दीपाली एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व योर 8th क्लास इंग्लिश वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 25 डेटेड ऑन 23rd ऑफ दिसंबर 2020। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट जिसकी डेट 23 दिसंबर रहेगी, आज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो बच्चों, आज के इस वर्कशीट में हमारा दिस इज जोड़ी फोन चैप्टर को ही कंटिन्यू किया गया है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से एक जोड़ी, एक छोटा बच्चा होता है और फोन एक हिरनी का बच्चा होता है, कि किस तरह से उसकी फीलिंग्स जोड़ी की फोन के लिए इमोशनल फीलिंग होती है और जोड़ी मिलविल के साथ उस फोन को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट जाता है, जंगल में जाता है। इतना हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ लिया था, तो आगे का देखेंगे हम आज पार्ट सेकंड। ओके, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इससे पहले हम दो इजी क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। हाउ वुड यू फील इफ़ यू लॉस योर पैट? अगर आपका पालतू जानवर खो जाता है तो आपकी फीलिंग कैसी होंगी बच्चों? आप सैड होगे या हर्ट होगे या डिसअपॉइंटेड, निराश होंगे या हेल्पलेस होंगे या फिर एनी अदर आंसर आपका? तो बच्चों, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर रहेगा सैड, आप उदास हो जाओगे। एंड वुड यू ट्राई टू फाइंड इट? क्या आप उसे ढूंढना चाहोगे? एंड हाउ, कैसे? यस, हाँ, मैं उसको ढूंढना चाहूँगी। विद द हेल्प ऑफ माई पेरेंट्स आई विल फाइंड इट। With the help of my parents, आप लोग लिख लेना बच्चों ये अपनी कॉपी में। I दोबारा से लिख देती हूँ बच्चों मैं आपका इसका आंसर। Yes, with the help of my parents, with the help of my parents, I will find it everywhere. मैं उसको हर जगह ढूंढूंगी अपने पेरेंट्स की हेल्प से। तो बच्चों, इसका आंसर आप लोग ऐसे लिख लेना। और उसके बाद बच्चों, हम अपना चैप्टर दिस इज जोड़ी फोन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों, जल्दी से फटाफट हम इसको क्विक नज़र से देख लेते हैं। जोड़ी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग। तो जोड़ी मिलविल के साथ घोड़े पर चढ़कर जैसे जाता है उस फोन को ढूंढने के लिए, तो वो क्या कहता है? कट टू द नॉर्थ। मिलविल से कहता है कि नॉर्थ की तरफ चलो। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बीटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फोन। यह वही जगह है जहाँ पर सांप ने मेरे पा को काटा था और वो हिरनी को मारा गया था यहाँ पर, क्योंकि जब उसके फादर को सांप ने काट लिया था तो तभी एक डो को मारा था उसके फादर के जिगर से जो पॉइजन को निकालने के लिए, है ना, तो डो को मारा था। एंड आई सो द फोन, और मैंने यहीं पर उस छोटे से हिरन के बच्चे को देखा था। सडनली जोड़ी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल, अनविलिंग होता है कि इच्छा ना होना, विद हिम, अचानक जोड़ी की इच्छा नहीं होती कि मिलविल उसके साथ चले। इफ द फोन वॉज डेड, वो सोचता है कि यदि फोन मर गया या कुड नॉट बी फाउंड या नहीं पा सका वह उस फोन को, तो ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वह उसकी निराशा को नहीं देख सकेगा। तो वह यह चाहता है जोड़ी कि मिलविल उसके साथ ना जाए, क्योंकि हो सकता है कि फ़ोन ना मिले तो मैं तो निराश होऊंगा ही, लेकिन मेरे साथ साथ मिलविल भी निराश होगा और मैं उस निराशा को देख नहीं सकता। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, और यदि फ़ोन यानी कि हिरन का वो छोटा बच्चा वहाँ पर मिल गया, तो द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट बी एंड्योर टू शेयर इट। तो वो मीटिंग, उससे मिलना इतना लवली होगा, इतना रहस्यमय होगा कि मैं उसको तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता। ही सैड, उसने कहा, इट इज़ नॉट फार नाउ, अब इतनी दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, लेकिन अब घोड़े के लिए झाड़ियाँ बहुत ही मोटी हैं। आई कैन मेक इट ऑन फुट, हमें अब पैरों से चलना पड़ेगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू, लेकिन मैं डर रहा हूँ तुम्हें छोड़ते हुए। कौन कह रहा है? बॉय, वो कह रहा है मिलविल, बच्चे मैं तुम्हें छोड़ते हुए डर रहा हूँ। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नेक टू, सपोज करो कि तुम खो गए या तुम्हें किसी
गया है हमें उस हिरन के बच्चों को ढूंढते हुए। इफ ही इज वंडर, यदि वह टहल रहा है, घूम रहा है, लीव मी ऑफ राइट हियर, तो अब हमें छोड़ देना चाहिए। ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट इजी नाउ, लेकिन तुम्हें अब इसे इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, तुम जानते हो कि नॉर्थ यहाँ पर है और ईस्ट देयर एंड देयर, वहाँ वहाँ। दैट टॉल पाइन मेक्स ए बियरिंग सो लॉन्ग, पाइन होता है बच्चों सॉरी हमारा जो हमारा पेड़ होते हैं पाइन ट्रीज, तो इसके लिए बताया गया है लंबे लंबे वहाँ पर देवदार के पेड़ खड़े हुए हैं। सो लॉन्ग माइल मिलविल आई एम ओब्लाइज्ड, तो वो क्या कहता है कि मिलविल मैं तुम्हारा कर्तव्य हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, वह वेट करता है जब तक कि खुरों की आवाज़ नहीं सुनाई दी जाती। देन कट टू द राइट, फिर वह राइट की तरफ चल देता है। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये पैसेज कंप्लीट होता है। अब हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स को करेंगे। देखो, नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट, कौन कौन से दो चरित्र की बात, करेक्टर की बात इसमें कही गई है एक्सट्रैक्ट में। देखो हमें यहाँ पर क्या दिए गए हैं, क्लूज भी दिए गए हैं, तो आपको इन क्लूज को देखकर पहचानना है। तो बच्चों बताइए, हमारा सबसे पहला हो जाएगा जोड़ी, और फिर आ जाएगा हमारा मिलविल, ठीक है बच्चों, ये रहा मिलविल और जोड़ी। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे मिलविल वॉज एफ्रेड टू लीव जोड़ी, मिलविल डर रहा था जोड़ी को छोड़ने के लिए अलोन अकेला, बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड इफ जोड़ी, क्या जाएगा बच्चों इसमें, जोड़ी गॉट लॉस्ट, कहीं जोड़ी खो ना जाए, गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन, या उसको सांप ना काट ले, इसलिए तो डर रहा था ना मिलविल उसके लिए कि कहीं उसको सांप ना काट ले, वो खो ना जाए। जोड़ी डिड नॉट वॉन्ट मिलविल टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ टू रीज़न, जोड़ी नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ आए, क्योंकि इसके पीछे दो रीज़न थे। इफ़ द फोन वॉज, यदि फ़ोन मर गया और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंट, तो इसमें बच्चों आप लिखोगे सीन, इफ द, और इसमें आप लोग लिखोगे फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली, और यदि फोन मिल गया तो कैसी होगी मीटिंग हमारी, लवली हो जाएगी, और बच्चों कैसी होगी, सीक्रेट। वॉट एक्टेड एज ए कंपास इन द फॉरेस्ट द टॉल पाइन, देवदार के लंबे लंबे वृक्ष खड़े थे, द टॉल पाइन, और फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नॉट वॉन्टिंग टू डू समथिंग, जो कोई कार्य करने की इच्छा ना रखने वाला, मतलब अनविलिंग, अनविलिंग का मतलब होता है अगर हम किसी कार्य को करने के इच्छुक नहीं होते हैं, कार्य के इच्छुक होना तो विलिंग, और कार्य का इच्छुक ना होना अनविलिंग, ये रहा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने ये कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट में मैंने आपको बता ही दिया था जोड़ी आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा मिल विल, और सेकंड में गोट लॉस्ट गोट बीटन, थर्ड में हमारा ये डैड आ जाएगा, डिसअपॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर लवली और सीक्रेट, इधर फोन आ जाएगा, ये टॉल पाइन और अनविलिंग। तो इस तरह से बच्चों हमने अपना फिल इन द ब्लैंक से ये सेंटेंस कंप्लीट कर लिए हैं। दिस इज जोड़ी फोन का सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ लिया है। तो बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।